खुश आमदीद कहते हैं और हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के पाक अमेरिका रिलेशंस के हवाले से कि रिसेंटली जब ईरान के सदर आए तो भी अमेरिका का एक एतराज आया और फिर चार वो कंपनीज जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सप्लाई कर रही थी उन पे भी पाबंदी लगा दी गई अमेरिका की तरफ से। अभी जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है ह्यूमन राइट्स के हवाले से उसके अंदर जो बातचीत हो रही है, हालांकि हमने कभी इस तरह की रिपोर्टें हिंदुस्तान के अंदर जो वायलेशंस होती हैं उस पर नहीं देखी, और आजकल जो फलस्तीन के अंदर हो रहा है खुद जो है अमेरिका के अंदर इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उसके बारे में भी इस तरह की सख्त लैंग्वेज नहीं अदा की गई जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से की गई है। आप मजमू तौर पर पाक अमरीका रिलेशंस को किस डायरेक्शन में देख रही है? पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात में कशीदगी भी आती है लेकिन स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी गुजारिश कर दूं कि जो कमजोर मुल्क होता है वो ही ज्यादा फेस करता है। जो गजा में पैलेस्टीनियंस के साथ किया गया वो किसी और एंटिटी के साथ नहीं किया जा सकता था। जिस तौर की सेंक्शन ईरान पे लगती है वो किसी और मुल्क पर नहीं लगा सकता अमरीका। अमरीका इज नोन फॉर यूनिलैटरल सेंक्शन। पाकिस्तान ने फॉरेन ऑफिस के लेवल पर तमाम बातों का जवाब दिया है और जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं